ये वो लोग हैं जिनको इतने मौसम में भी बाहर निकलने की आखिर आई हुई है। ये मेरी बेल बजा बजा के मुझे घर से निकाल के बाहर लेके आई है। इसको पता नहीं है, इस मौसम में बारिश हो रही है। ये देखिए बारिश हो रही है ना, आपकी नहीं हो रही। किसके लिए काम करते हो तुम बताओ? ये देखना अभी, ये देखना बिजली आई। ये देखे जरा इधर, ठीक खुदा ना खास्ता ये बिजली अगर आपके ऊपर आई तो आपके तीन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कोई इंसान नजर आ रहा है? सिर्फ जानवर नजर आएंगे आपको इस टाइम बाहर में। इतनी ठंड है, अब डिसीजन ये लिया गया है कि इस ठंड से बचने के लिए चादर घर से पकड़ ली जाए, कंबल ओढ़ लें हम। हाँ कंबल ओढ़ लें। और इनको भी मैंने याद कराया कि कैरेटिन का क्या होगा, एंड शी इज वरीड नाउ। हाँ यार अब भाई कैरेटिन का क्या होगा, घर से निकलते हुए सिर्फ मौसम देखा था, बाहर नहीं देखे। प्रेशर और बारिश इतनी है क्या, मुझे चला नहीं जा रहा। वो तमीज तो साथ साथ है ही। ये देखिए मेरे कैमरे पे, ये देखिए जो आ रही नजर आ रहा है ना, ये बारिश के आसार है। अब मेरे फोन में पानी चला जाएगा। A few moments later. ये फाइट चल रही है कि मौसम बहुत प्यारा है, अभी से छोड़ के बाहर उठो, बाहर निकलो। ये ले जी डिसीजन ये हुआ है कि हम अब ले रहे हैं, जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। चलें जी, इतने प्यारे मौसम में। और ये देखिए, ये मुझे एमन ने दिया था कि मैं घर वापस आ गई, शुक्रिया। चलें जी, अगर आपकी कैरेटिन अभी मेंटेन ही है तो बच गई है। ये भी उठ गई है, ये तो मैजिक हुआ है। इनको बिस्तर से उठाना कितना मुश्किल है। ओनली आई नो आइसक्रीम के लिए उठी जी, मैंने भी चादर ले ली है डंडन, और अब हम जा रहे हैं बाय। ये बारिश देख रहे हैं, ये देखे जरा बारिश। इस बारिश में इसको बाहर निकलने की पड़ी हुई है। इसके तीन बच्चे नहीं है, ये भी खुद बच्ची है। अब आई एम गोना स्टे इनसाइड। अब कैरेटिन का ख्याल ना करें, अब निकले बाहर। अब जैसे मुझे निकाल के बिस्तर में से लाई है ना, अब खुद भी निकल के बाहर आए। अम्ब्रेला पता नहीं किधर है, किस सदी की कहाँ पड़ी है अम्ब्रेला, कोई पता नहीं है किधर है। ये मेरा फोन है, मेरे हाथ से गिर गया ना, तो ये सारा कसूर होगा ब्लॉगिंग का, मेरा नहीं। और अगर इसमें पानी भी चला गया, ये देखो सबको निकाल के लाइए, पहले मुझे निकाल के लाइए, फिर एवन को निकाल के लाइए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बिजली, इट्स अ थंडर स्टॉर्म इन लाहौर। वो अंकल आप किस चीज़ की पिक्चर बना रहे हैं? गार्ड अंकल, ये गार्ड की गाड़ी है। अच्छा 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 अच्छा, वो इन सब चीज़ों की पिक्चर बना रहे हैं कि क्या हालत हो गई है बारिश आंधी तूफान की वजह से। अब हम यहाँ क्या करने आए हैं, हम लेने आए हैं आइसक्रीम। इस मौसम में इसको अर्ज हो रही थी आइसक्रीम खाने की, जो मेरी दोस्त आई है। मुझसे आगे नहीं जाया था यार, हवा मुझे पीछे पुश कर रही है। थैंक गॉड वी आर अंडर अ शेड। ओह ये देखिए शॉप पे क्या हुआ।
ये तो मेरे ब्लॉग का अच्छा पार्ट बन गया। इतना सारा ये मैंने नहीं किया अंकल, ये क्या हुआ? एमा ने किया, हवा ने किया, ये फिल्म हुई है। अंकल कह रहे हैं जो आप फिल्म बना रहे हैं वो है। कोई सेंस है इस बात की? फीस है अंकल है। चलो एमन आगे बढ़ो, ये लो तीन। हाँ ये वन टू एंड थ्री। ये तो मजा ही आ गया, मैंने कभी इतने पापड़ एक साथ पड़े नहीं देखे। ये एमन को फ्रिज से निकालना है। वाह चॉकलेट, ये तो कैरेमल वाली पड़ी है। ये वाली, हाँ ये मिल गई। 1, 2 and 3 निकालो जल्दी। हुआ कम कुछ, हवा कम हुई है ना थोड़ी थोड़ी सी। मेरा कैमरा भी चला, बारिश कम। अंकल ने गन कहाँ लगाई हुई है? कोई आए उसको ऑटो शूट हो जाए। यहाँ बिल्ली आती ना हमारी, उसने आराम से मुंह से पकड़ के ले जाना था एक। इससे सवाल एमन दोबारा बताओ क्या कहा है? इस बाग से खाली लोग मेरी जी नींद बेहतर थी या मौसम और आइसक्रीम? मैंने कहा नींद। इससे सवाल किया गया नींद बेहतर थी या मौसम और आइसक्रीम, और जवाब आया है नींद। ये तुमने बिल्कुल अपने ब्रदर इन लॉ वाला जवाब दिया, यू नो नींद से बेहतर कुछ नहीं। जज्बात से खाली लोग, हाँ ये जज्बात से खाली लोग हैं, इनको पता ही नहीं इस मौसम में क्या फील आती है, क्या पोएट्री आती है, क्या नाजिल होता है, बिल्कुल नहीं पता। मजा नहीं आ रहा है। चलो भाई इसको खोल के खाते हैं अब। उसके लिए मुझे 2 मिनट दे जरा, मैं वीडियो बंद करती हूँ फिर मैं चलाती हूँ खाते हुए की। पब्लिक सर्विस मैसेज, पब्लिक सर्विस, मैं देखिए कहाँ जा रही हूँ हवा के जोर से। अ पब्लिक सर्विस मैसेज फॉर एवरीवन के अपने पेट पूजा करने से पहले अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। शैगी प्लीज मेरे हाथ से लेके फेंकना डस्टबिन में। ये देखिए डस्टबिन ढूंढे और रैपर को पहले डस्टबिन में डाले। ओ! ये देखो गद्दार दोस्त, इसने उड़ा के वहां फेंके, कहाँ गया? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, उड़ा दिया। ये आज खुद ना खुद भी उड़ना चाहती है ना, ये आज खुद भी उड़ना चाहती है। चलें जी अब खाते हैं। ये मैं इतने तमीज से वीडियो बनाना शुरू की थी कि डस्टबिन में फेंकूंगी, एक मैसेज दूंगी, आए हाय खा लेते हैं आइसक्रीम। हाँ वो देखो इंसान, शैगी वो देखो इंसान, इंसान। मैं इसे कहती इस तरह के टाइम पे मौसम में इंसान नहीं निकल सकते, जानवर ही निकल सकते हैं। अभी बिजली कड़ गई ना किसी के सर पे, फिर देखना क्या होता। मेरा फोन पूरा गीला, मेरी आइसक्रीम भी गीली हो रही है गाइस, मुझे इसको जल्दी जल्दी खाना है। वैसे मजे की लग रही है, पता नहीं कौन सा कैरमल सॉल्ट अलमिया ऐड कर रहे हैं इसमें। अच्छा मुझे लगा आप कह रही हो नहीं बारिश कैरमल वाली ली थी। नहीं, कितनी कितनी रह गई तुम लोगों की? इतनी रह गई, मेरी खत्म हो गई, मैंने बाकी सबकी खा जानी है। पहले आगे करो, मैं शांत से लूंगी। आगे करो शेगी, आगे करो। तुम्हारी जो एक बाइट में खत्म हो रही है, मैंने सारी एक बाइट में खा जानी है, मैंने देनी तो नहीं। मैं खत्म करके ले रही हूँ तुम्हारी। उसको सांस तो लेने दे बे। अब थोड़ी देर चुप रहना है क्योंकि मुझे अपनी आइसक्रीम खानी है जल्दी जल्दी। I am trying my best to eat before
हर आइसक्रीम उसने खत्म कर लिया, मुझे भागना है, मुझे अपनी आइसक्रीम बचानी है। मेरी आइसक्रीम के पीछे चल चल। ओ गॉड, क्या कह रही है? घर चले, घर चले। अब देखो कह रही है नाम लिया। हाँ, अभी ताज से कैटरिंग करवाइए, एंजॉय तो करें दो यार। अब ये कह रही है घर चलो, बिस्तरों से निकाल के अब ये घर लेके जाना चाहती है। उधर से कोई सेंस है इस बात की? जाने ना, यू वांट टू गेट समथिंग? क्या लेने? हाँ तो घर तो वो है। क्या लेनी होंगी चीजें? क्या लेना? ये देखो अफ्तारी की दावत, ये सैरी की दावत किस तरह देते हैं लोग, घसीट के चलो मेरे घर। और फिर ये क्या कहना चाह रही है, सैरी में जाके किसने बनाना है खाना? शानजे ने पराठे बनाने। हाँ, शानजे ने ही पराठे बनाने और शानजे ने ही आलू अंडे बनाने हैं, एंजॉय करना है। और हमने बैठ के सर्व करवाना है शानजे से। ये देखे सैरी की दावत, समझ रहे हो? समझ रहे हो? शानजा पराठा ना। चले मैं मेरे मेहमान गार्डन में वो सामने उनसे बात करती हूँ जो बिल्डिंग बन रही है ना, उनको मैं कहती हूँ बिल्डिंग मुझे दे दो, स्टॉल लगा के देंगे। मैं पूरी बिल्डिंग लूंगी, मैं स्टॉल नहीं लगाऊंगी, रेस्टोरेंट खोलूंगी, शानदार पराठा, पूरे पाकिस्तान से लोग पराठा खाने आएंगे मेरा। ओ गॉड, ये दरवाजा बंद हो गया। ये मैंने स्टिक इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि मैं अब इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती इस पे के इसको डस्टबिन में फेंको, और मैं घर जाऊंगी और इसको अपने डस्टबिन में फेंकूंगी क्योंकि इसने रैपर की तरह ये भी उड़ा देनी है। क्या लेके आए? और लेके आए? क्यों? अच्छा, घर में बच्चों के लिए? वो अंदर से निकलते हैं फिर पकड़ लेते हैं साथ ही। प्लीज याला सेव हर लाइफ, ही अंधी है वैसे। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ हाँ, गाड़ी पे चलते हैं। चलें जी, अब इसने जो सैरी के लिए धक्के दे दे के घसीट घसीट के इनवाइट किया है, अब इसकी तरफ सैरी पे चलते हैं, घर से कुछ चीज़ें उठाते हैं फिर इसकी तरफ चलते हैं। चलें जी, ये फेंकते हैं डस्टबिन में और हैंड वॉश करते हैं। ने उठा ली हैं जी ज़रूरत की चीज़ें, अब कुछ चीज़ें हमने मार्केट से भी लेनी है, उसके लिए हम गाड़ी में जाएंगे। चलो जी, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। क्या हुआ जरा सुनाना? गारंटी तो बढ़ गई। प्लीज वॉल्यूम अप। कैरेटीन तो बढ़ गई है ना। हाँ, इन्हें करा के बड़े शौक में निकली थी बाहर। आगे स्वाद, अब हम शीशा खोल के मौसम एंजॉय करते जाएंगे। सबसे मुश्किल काम गेट खोलना और बंद करना होता है, और वो ही हमेशा ये करती है लिटरली, वो इसकी ड्यूटी है। मैं इसकी वजह से गाड़ी नहीं शान से देखो खुद ही बंद हो गया। हाँ, तो बाद में पीछे की थी ना। मुझे रुकना पड़ेगा उसे, मैं ही रुक जाती हूँ। रोड के दरमियान में कुछ आ रहे हैं। कौन है ये? रुक, कहाँ से आते हैं? सीन है, मजा तो आ रहा है वैसे मजाक के अलावा। और जिंदगी जीने का मजा कौन सी खा रहा है? ये शैकी राजपूत, फॉलो हर ऑन टिकटॉक। ये अब घर जाने से पहले बच्चों के लिए फीस्ट और आलू अंडे के लिए अंडे लेने के लिए मन गई है शॉप पे, वो लेके आती है तो फिर घर जाके हम बनाते हैं।
तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये प्लान बना रही है ना, आई कैन नॉट टेल यू गाइस। शुक्र अल्लाह का आज साफ रात नहीं है, वरना इन्होंने तो क्या साफ रात। ये देखें जी, ओह गॉड, ये देखें जी, शराफत का लबादा ओढ़ लिया जाए। मुझे घर ही नहीं मिल रहा, वो आ गया घर। देखिए यहाँ पे आपके मौलाना अलामा साहब, अंकल साहब स्टैंडिंग आउटसाइड, नॉट स्टैंडिंग बट गेट इज फुली ओपन। चलो जी हम घर पहुंच गए। ले जी पहुंच गई हूँ मैं ऊपर अपनी दोस्त के घर, अभी जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि गीले हो गए। चलो जी ये देखें जी, बच्चों की आइसक्रीम पार्टी स्टार्ट हो गई है। अब इनके बाल ड्राई हो रहे हैं, देखें अब इनको अपनी कैरेटिन की फिक्र हो रही है। मैं आहिस्ता इसलिए बोल रही हूँ, अंकल घर है। ये देखें दूसरा बेबी सो रहा है, इसके आइसक्रीम का क्या होगा, इसको चाह करते हैं। चाह मोहब्बत, आइसक्रीम आई है मोहब्बत, मोहब्बत आइसक्रीम आई है। शुक्र है किसी को तो आइसक्रीम से फर्क नहीं पड़ता। चले इसके घर को हमने बंद कर दिया, हाँ नहीं उसको पढ़ा आइसक्रीम से, वो देखो वो भी आइसक्रीम खा रही है, वो भी आइसक्रीम खा रही है, सबकी आइसक्रीम पार्टी चल रही है। अब हसनैन की तरह, हसनैन की तरह, हसनैन अच्छा मज़े किए, अच्छी लग रही है, कैसी है, कैसी है, मुझे बहुत मज़े किए, थैंक यू, कैसी है वो देखे, ये खड़ूस, इसकी अपनी आइसक्रीम पार्टी चल रही है। इस भाग गए भाई। एमन कैसी है ये, बहुत मजे किए, थैंक यू, गिव मी लिटिल, भूखी मामा, भूखी मामा अपनी खा के नहीं आई। भूखी मामा अपनी पूरी आइसक्रीम खा के आई है, उसके बाद बच्चों की भी चोरी कर रही है। एमन मुझे भी आइसक्रीम दे दो, एमन मुझे भी आइसक्रीम दे दो, मामा को भी तो दिया आपने, अपनी मामा को दी है ना आपने, आप मुझसे प्यार नहीं करती, बोले तुम्हारे से करती हूँ तो थोड़ी सी दे दो, बोले अच्छा खा के देती हूँ। देखो माँ की नजर अभी भी तुम्हारी आइसक्रीम पे है, शेयर करे, देखा फिर आ गई है वो शेयर करने। अब किसके साथ शेयर करोगी, एमन आप मेरे साथ शेयर करोगी कि मामा के साथ। ओह ओह उसे प्यार नहीं है ना आपको, कट्टी कर लो, कच्ची कर लो, जल्दी से कच्ची कर लो फौरन, नहीं अब थूक लगा दी, अब नहीं करनी, बोले प्यार है, उसने सारी फिंगर्स को थूक लगा दिया। कच्ची है मन, कच्ची आप दोनों की कहने लगा आइसक्रीम खा लेंगे, हाँ वो सारी खा रही है, मुझे आपने थोड़ी सी भी नहीं दी, थोड़ी सी दे दो ले लो। ओ नो चलो मुझे पता चल गया आपको सिर्फ उस लड़की से प्यार है, मेरे से नहीं है, है ना, ठीक है जाओ, प्यारी है ये, प्यारी प्यारी प्यारी, ये पानी और ये प्यारा सा पानी का जग छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, ये देखिए। कितने का आया ये, 300 का था। मैंने 200 का, एंड शी वॉज अब्यूजिंग मी, और कह रही है 300 का आया था। एवरीवन घर बुला के ये फोन के सीन्स चल रहा है, सब वो देखें, एक वो फोन पे लगी है, एक ये फोन पे लगी है, एक ये फोन पे लगी है,
एंड आई एम जस्ट वॉचिंग सीलिंग पंखा लाइट दीवारें दरवाजा फीडर पर्स चाबियां एलसीडी ऐसा कौन करता है भला चलो हम उठ के नमाज पढ़ लेते हैं हम अब टाइम से नमाज पढ़ के फिर मिलते हैं होगा यहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही है कि हम अपना टाइम किल करने के लिए अभी हुए 11:30 अप्रोक्सीमेटली तो हम अपना टाइम किल करने के लिए मैनीपैडी का सेशन लेते हैं एक सेल्फ मैनीपैडी अभी ये डिस्कशन चल रही है और ये कह रही है कि अगर मेरे हाथ पाँव ना चमके तो फिर इसने और क्या चमकाने हैं देखो जरा ना शुक्रिया औरत और अगर ना चमके तो क्या है ना चमके तुम पैसे वापस कर देना तुम्हें बोला तो है मैं देंगे हाँ तो बस फिर चुप करके बैठी रहो जब मुफ्त का हो रहा है तो मुफ्त के में भी कुछ चलो वही करते हैं ठीक है देखो इतने प्यारे हाथ है इसके और क्या चमकाने हैं तुमने देखो और ज्यादा चमके मेरे ढांचे लग रहे हैं तुम्हारे ज्यादा प्यार मेरे पतले हैं और स्मार्ट गर्ल बन जाए हाँ मैंने अभी और पतली होना है दो किसके ज्यादा प्यार है मेरे के तुम्हारे ऊपर करो जरा हाथ मेरे ज्यादा प्यार है शैगी प्लीज गिव ऑनेस्ट रिव्यूज किसके हाथ ज्यादा प्यार है मेरे ये देखो जरा हाँ हाँ मैं भी वही कह रही हूँ मेरे चलो भाई अब देखते हैं हम उठते हैं और चीजें निकालते हैं और ट्राई करते हैं कि हम अपना सेल्फ मैनीपैडी का कुछ करें ताकि हमारा आलू अंडे बनाने तक का टाइम सैरी तक का टाइम अच्छे से कंज्यूम हो जाए व्हाट डू यू से ऑफ कोर्स लेट्स गो लेट्स गो देन ये देखें एवरीवन ये मिडनाइट का प्लान है हैंड फीट केयर का और जो चीज़ें घर में कोई नहीं है वो लेके आने का बाहर से अब अल्लाह करे शॉप ओपन हो लेके आते हैं मैं तो बिस्किट के लालच में जा रही हूँ मैं बिस्किट खाने का दिल कर रहा है ये जी वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान बस अब शॉप ओपन हो मौसम ठंडा ठंडा देखें जी हम लेने के आ गए थे और चीजियाँ लेके आ गए देखें जनाब मेरी तो पेट पूजा चल रही है और ये देखें ये कर रही है पेडिक्योर का इंतजाम और अब इसके पाँव की मैल और मेरे पाँव की मैल हम दोनों के पाँव की मैल इकट्ठी इसमें जाएगी तो और डाल लिया ना मैंने कहा नहीं हमारी गर्म करके डाल बेकिंग सोडा वो डालो ना मैं उसको कह रही थी कब से कि पानी चेक करो गर्म कितना है तो वो चेक नहीं कर रही थी तो मैं बैठ गई चेक करने के लिए ऐसे फेंक अब हम शुरू करने लगे हैं अपना पेडिक्योर सेशन टन 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 वो भी बैठ गई है गर्म पानी टन 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 जाओ देखो कौन सी हो रही है वॉमिटिंग ना कर लो ये देखिए जी हमारा पेडिक्योर स्टार्ट हो गया अब देखिए हम क्या करते हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं ये देखें जी सब मैनी पेडी वगैरह डन ये देखें सब मैनी शेडी डन मैनी पेडी शेडी सब डन कर लिया हमने खुद ही अपना एंड इट टर्न्ड आउट सो वेल अब हम किचन में जा रहे हैं सैरी बनाने ये देखिए जी किचन में अब हम आ गए अब हम स्टार्ट करते हैं आलू अंडे बनाना आलू अंडे बनाने का सीन है हमारा इंशाल्लाह आज चले प्याज काट लिए हैं मैंने ये ऑयल जा रहा है इसके अंदर क्वांटिटी देख के डाल लूँगी जितना रिक्वायर हुआ मुझे अंदाजा हो जाएगा ये देखें जी एक तरीका होता है अपने घर सैरी पे बुला के खुद ही मेरे से पराठे बनवा रही है आलू अंडे बनवा रही है देखो जरा हाँ ये बना के मेरे पे एहसान करी जो मैंने पीनी भी नहीं है ये देखें जी इसमें बस कैरी लस्सी भी खुद बनाओ मुझे नहीं बनानी आती इसमें बस अंडे डालने रह गए हैं और ये पराठे के लिए पेड़ तैयार है कभी गलती ना करो किसको अच्छा पराठा खिलाने की ड्यूटी लग जाती है फिर चले जी अब मैं थोड़े से इसमें अंडे उंडे डाल के दिखाती हूँ आपको हाँ गले पड़ जाते हैं ये लोग ये देखें ये कोई तरीका है इनका मेहमान को खड़ा किया हुआ है और खुद बैठ के ये देखो वेट हो रहा है ऐसे तो नहीं होता है कि कब नाश्ता और सैरी बनेगी और हमें खिलाई जाएगी अल्लाह पूछेगा इन्हें
ये देखिए जी आलू अंडे मेरे तैयार हैं। चुप कर। आलू अंडे डालिए चीनी। हाँ आलू अंडे मेरे तैयार हैं। ये पेड़ों की लाइनें लगी हुई हैं। अब बस जल्दी से ये आलू अंडे उतार के चूल्हे से, इतने प्यारा तवा दिखा के मुझे मेरे से पराठे बनवाएगी है। अब मैं पराठे बनाने लगी हूँ सहरी के लिए। मेरा पराठा चल रहा है व्लॉग में। चुप करें। ये देखिए मुझे इतना प्यारा तवा दिखा के, ऑयल भी लगाना है मुझसे, मुझे पता है कब लगाना है। ऐ फजूल में इंटरफेयर करने आ गई है ये। ये देखिए इतना प्यारा तवा दिखा के मुझे, तो मेरे से पराठे बनवा रही है। ये देखें जी एक पराठे की शक्ल आप भी देख लें, जिसकी दुनिया फैन है। जल ना जाए मैं जल्दी से उतार दूँ। नहीं कम कम ही खाती है। ये देखें जी एक पराठा बन रहा है, एक बेला जा रहा है और एक खाया जा रहा है। कैसा है? वेरी डिलीशियस टेस्टी। थैंक यू। सालन भी बहुत मजे का भाई, मजा आया। डराया इतना हुआ था। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरा अच्छा सा पराठा बन रहा है, इसके लिए वेट करना पड़ता है। ये देखें जी ये रहा आखिरी पराठा और अब मैं करने लगी हूँ सहरी। ये देखिए और ये चाय लवर्स चाय देखें, बट आई विल नॉट टेक इट। ये देखें जी पराठा इतना मज़े का। ये इतने प्यारे तवे की लालच में से पराठे बनवा लिए। नहीं जी सबके सब काम हो गए हैं, सहरी भी हो गई है, फारिग भी हो गए हैं सब कुछ करके। और इस औरत ने जान खाई हुई थी मेरी 2 बजे से कि सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है, सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। और वो देखें अभी भी 10 मिनट अजान होने पड़े हैं और सब ने सहरी कर ली और सब कुछ हो गया कंप्लीट। और ये मैडम भी चाय पी रही है अपनी, इसने जान खाई हुई थी। चलो चाहिए ठीक है, मैं घर जा रही हूँ अभी। हाँ तो अभी और नमाज नहीं पढ़नी जा रही। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सहरी कर ली है मिल मिला के, हम घर आ चुके हैं। अब नमाज पढ़ेंगे फजर की और फिर सो जाएंगे। आवाज़ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि हाउ टायर्ड आई एम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।